नमस्कार साथियों, मैं अर्पित ओझा स्वागत करता हूं आपका वाइटल इन्फो पर। वॉक विद ऑफिसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ है माननीय तहसीलदार महोदय शंकरलाल शर्मा साहब। तो आज हम इनसे जानेंगे कि एक तहसीलदार के क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं, जनता के प्रति क्या राइट्स होते हैं, और प्रशासन स्तर पर तहसीलदार की क्या भूमिका होती है प्रशासन चलाने के अंदर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर कि आपने समय निकाला, और आज बहुत इंटरेस्टिंग हम जानेंगे सर से कि प्रशासन में, व्यवस्था में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या भूमिका होती है एक तहसीलदार। सर जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी मिली कि आपके साथ एक इंटरव्यू सेशन होने वाला है, तो मेरे जहन में था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो इस बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा कि एक अधिकारी के प्रशासन स्तर पर नैतिक दायित्व क्या होते हैं जनता के प्रति, क्योंकि हम अधिकारों की बात सब जगह करते हैं। मान लीजिए आप एक कलेक्टर हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो कलेक्टर के अधिकार होता है कि जिले का मालिक होता है, उसके अंदर इतने उसके क्षेत्र में इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतने पावर्स होते हैं। SP के पास पूरा 3000 पुलिस बल का उसके नीचे अधीनस्थ में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नैतिक दायित्व जो जनता के प्रति चलते हैं वो कहीं ना कहीं हमको धुंधले नज़र आते हैं। तो सर, उसी पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, इसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि एक अधिकारी के जनता के प्रति क्या नैतिक दायित्व है जो उसको अपनी पद पर बैठे हुए उसकी गरिमा का पालन करना चाहिए, उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हाँ ओझा साहब, आपका बहुत अच्छा प्रश्न ये जी कि हर अधिकारियों की बात करते हैं जी, लेकिन जनता के प्रति क्या कर्तव्य हैं जी, उसकी बात कोई नहीं करता है। जी 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 सर। तो इसमें अधिकारियों के जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी बात सबसे पहले करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हर अधिकारी को ये समझना चाहिए कि अपन आज जिस पद पर बैठे हैं, चाहे वो एक तहसीलदार का पद हो, चाहे SDM का हो, चाहे कलेक्टर साहब का पद हो, उनमें जनता के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। जी जी। इसमें मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि तहसीलदार का जनता के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसकी वजह यह है कि तहसीलदार भूमिधारी होता है, जमीन से जुड़े हुए सारे कार्य तहसीलदार के थ्रू होकर के आगे जाते हैं। सरकार की सारी महती योजनाएं तहसील स्तर पर आती है, और तहसीलदार का कर्तव्य है कि वो सरकार की महती योजनाओं को लागू करे, और जमीन संबंधी जितने कार्य हैं, चाहे वो रहन काश्तकार के रहन का काम हो, चाहे काश्तकार की जमीन विक्रय का काम हो, उसके म्यूटेशन का काम, म्यूटेशन का कोई काम हो, तो सारे कार्य तहसील स्तर पे शुरू होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तहसील स्तर पर एक तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य करता है। बिल्कुल तो, सही कहा आपने इस संबंध में जी, कि मैंने जब मैं कहा आपसे कि भाई तहसीलदार भूमिदारी होता है, जो जमीन के जितने अधिकार तहसीलदार जी के पास हैं जी, तहसीलदार के पास है, वो अधिकार शायद कलेक्टर महोदय के पास भी नहीं है। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा आपने इस संबंध में जी। तो काश्तकार जो भी अपना काम लेकर के आता है जी, वो चाहे उच्च स्तर पर ले जाके अपने काम के लिए एप्लीकेशन लगाए, चाहे कलेक्टर महोदय के पास जाए, यहाँ तक CM साहब के पास जाएगा, तो भी लास्ट उसकी पालना एक तहसील तरफ होती है जी। तहसीलदार के पास वो एप्लीकेशन आती है, और तहसीलदार भी उस पर एक्शन लेकर के पटवारी से, RI से जो भी काम करवाने हैं वो एक तहसीलदार कार्य करवाता है। तो सर की इस बात से पता लगा कि एक जमीनी स्तर पर जो कार्य क्रियान्वित करने का मुख्य अधिकार प्राप्त होता है वो तहसीलदार को ही प्राप्त होता है। तो सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक अधिकारी के जो कर्तव्य होते हैं जनता के प्रति आपने उस पर प्रकाश डाला। सर, बात अधिकारी के कर्तव्यों की हो गई, तो अधिकारी के दायित्व राइट्स की भी बात कर लेते कि एक तहसीलदार के हाथ में क्या पावर्स होती है जिस पे वो इम्प्लीमेंट करके समाज हित में काम कर सकता है। देखा जाए तो तहसीलदार के पास बहुत अधिकार होते हैं जी। तहसीलदार एक दंडाधिकारी भी होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका में जी। तहसीलदार न्यायिक मजिस्ट्रेट भी होता है, और तहसीलदार पंजीयन अधिकारी भी होता है, और तहसीलदार के रूप में कार्य करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ आपको कि कोई पंजीयन डॉक्यूमेंट्स आया, कोई रजिस्ट्री है, तो सब रजिस्ट्रार वो रजिस्ट्री करेगा, लेकिन उसकी पालना तहसीलदार के तौर पर अलग से करनी होती है जी। कोई भी पंजीयन डॉक्यूमेंट्स आ गया, उसका पंजीयन करना उपपंजीयक अधिकारी का दायित्व है, उसको पंजीयन करना ही है। लेकिन अगर वो पंजीयन डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो एज तहसीलदार उसको रोक सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तहसीलदार के दोनों एक सील के आधार पर, दोनों पदों के आधार पर अलग अलग उसके दायित्व हो गए दायित्व होते हैं जी।
डॉक्यूमेंट्स का जांच करके उसका उसकी पालना करवाना तहसीलदार का कर्तव्य है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसी अधिकारी पास उसी साइन से जो काम वो पंजीयन अधिकारी के रूप में कर रहा है उसी की वापस पालना करना तहसीलदार का कर्तव्य है, अलग अलग कर्तव्य या राइट्स हैं जो भी आप जी। तो और जैसे तहसील क्षेत्र में शांति व्यवस्था की जहाँ बात आ जाती है किसी तरह की कानून व्यवस्था बनाए व्यवस्था कानून व्यवस्था में तहसीलदार न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है जी। और तहसीलदार के रूप में अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी जो पटवारी आ रही नायब तहसीलदार है गिरदावर उनसे सारी सारे कार्यों की पालना करवाता है, उनकी जाँच रिपोर्ट टाइम टाइम लेते रहना। तो जैसे किसी काश्तकार की कोई एप्लीकेशन आई तहसीलदार के पास तो तहसीलदार उसको पटवारी के पास भेज करके जांच करवाता है, जांच रिपोर्ट सही पाई जाने पर उसकी पालना तहसीलदार समय पर करवाता है। ये तहसीलदार का ये कर्तव्य है जनता के प्रति कि जनता के सारे कार्य जो सही कार्य होने लायक है उसको समय पर पूर्ण करें जी। और तहसीलदार के कार्यों के आज जो सरकार ने एक समय अवधि तय कर दी है तो तहसीलदार का भी कर्तव्य है कि वो समय अवधि पर काश्तकारों के सारे जो होने लायक कार्य है वो सारे कार्य समय पर करें। तो सर का ये कंसर्न था कि एक तहसीलदार का या किसी प्रशासन स्तर पर बैठे व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वो टाइम से अपना काम करके दे ताकि जनता को उसके प्रति दायित्व समझ में आए, और जनता का एक अधिकार का अधिकारी का एक ये नैतिक कर्तव्य है कि टाइम से जनता के आपको सिस्टम में है जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जनता के हितों के लिए। तो एक अधिकारी का और एक प्रशासन पर बैठे हर स्तर का एक अधिकारी का नैतिक दायित्व होता है कि वो जनता के कामों को यथासंभव समय पर पूर्ण करें। तो ये बड़ी अच्छी बात सर आपने करी और मुझे काफ़ी इस बात से मैं बड़ा सुसंगत रखता हूँ कि आपने ये बात इस चर्चा में करी। सर आए दिन अखबारों में खबरें छप रही थी कि सरकार के इस कार्मिक विभाग ने या इतने पटवारी ने इतनी घूस ले ली है, इतना रिश्वत ले लिए। तो रिश्वतखोरी की एक चेन चलती जा रही है जो आए दिन अखबारों में न्यूज़ में रिपोर्ट्स में देखते रहते हैं। तो सर क्या एक ऑफिसर होने के नाते आपके क्या दायित्व होते हैं और जनता के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास कहीं ना कहीं इस चीज़ से उठता रहता है कि आपको कहीं ना कोई भी काम करवाना है तो पैसा देना ही पड़ेगा, बिना पैसा दिए काम नहीं हो सकता। तो अब इसका बिल्कुल सही कह रहे हो इस मामले में जी कि वास्तव में जनता का विश्वास उठ रहा है। जैसा ही मैंने आपसे कहा था कि भाई जनता खुद आगे होकर के देने की कोशिश करती है, फिर जब नहीं देते हैं तो उनको जनता को लगता है ये हो सकता है हमारा काम नहीं हो जी। ये सोच हो गई जनता की, सोच हो गई कि अगर हम काम नहीं पैसा नहीं देंगे नहीं तो देंगे काम काम नहीं। ये जनता की भी सोच हो गई और कर्मचारी की सोच तो बनती जा रही, क्योंकि उनको जब बिना वजह के अगर कोई दो पैसा मिल रहा है तो उसकी भी सोच होती जा रही है कि मुझे इससे दो पैसा मिलेगा, जबकि होना ये चाहिए कि उसकी ड्यूटी है कि वो अपना काम बिल्कुल टाइम से करे। अच्छा भ्रष्टाचार भी दो तरह के हो रहे हैं मेरी नज़र में। एक तो एक जैसे जो काम एक महीने में होना चाहिए एक महीने में न करके आपको उसको अगर 10 दिन ज़्यादा निकाल दिए तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। समय अवधि में काम क्यों नहीं हो, अगर समय अवधि में काम होगा तो इस पर भ्रष्टाचार रोक लगेगी, जनता में विश्वास बोध आ जाएगा कि यार मैंने जो आज एप्लीकेशन लगाई है मेरे काम के लिए और एक महीना इसका निर्धारित है, सरकार ने एक महीना जैसे निर्धारित किया है एक महीने में काम होना चाहिए और एक महीने में उसका काम हो गया तो इससे भी भ्रष्टाचार रोक लगेगी और उसको विश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं अगर पैसे नहीं दूंगा रिश्वत नहीं दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और उनको अगर ऐसा लगता है जैसे कोई किसी ने इसे डिमांड की है तो जनता को आगे आना होगा, तहसीलदार के स्तर पर शिकायत करे या हमारे से उच्च अधिकारियों पर शिकायत करे तो हम उसका तत्काल एक्शन लेते हैं। उसका अगर इस तरीके में शिकायत मिलती है तो तत्काल उसकी जांच करवाते हैं और सही पाई जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो भी हम अमल लाते हैं और ये तो हमारे स्तर की कार्रवाई होगी। बाकी अगर वास्तव में शिकायत का सत्यापन हो गया और ACB ने उसको पकड़ लिया वो कार्रवाई उनके स्तर पर होती है और इसको भी ACB हमारे संज्ञान में लाती है। हमारे जो उच्चाधिकारी है अगर कोई शिकायत पाई जाती है इस तरह की रिश्वत की तो हमारे से जो उच्चाधिकारी उनके संज्ञान में लाया जाता है कि सर इस तरह की कोई शिकायत और वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद ही उनको आगे जो कार्रवाई है वो की जाती है। पर सर कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे मामले आते हैं रिश्वत के जहां रिश्वत के लिए किसी परिवादी ने कंप्लेन करी उसी कंप्लेन को रिश्वत लेके दबा दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि रिश्वत लेने के लिए कंप्लेन करी रिश्वत लेके उसी को दबा दिया गया। तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है जी कि इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। पूरे लोकतंत्र को दे रही है सर यार ये भ्रष्टाचार का जो गेम है ना
ये से नीचे से तबके के लगा करके बहुत ऊपर तक ऊपर तक फैला हुआ है। इसमें क्या इनकी जड़े काटनी जो काटने का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हो सकता है या आप ऊपर से ऊपर लेवल से शुरू ऊपर लेवल से जो चाहे इसमें अधिकारी लेवल को ले लो चाहे इसमें राजनीतिक व्यक्ति ले लो अगर वो वहां से शुरुआत करते हैं कि हम बिल्कुल पाक एंड साफ काम करेंगे तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं कि वो किसी से एक रुपया भी रिश्वत का ले ले। तो सर अभी भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है जो इंप्लीमेंट करनी होती है एक ऑफिसर्स को कि अगर कोई भ्रष्टाचार अगर लेते हुए पर शायद गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर्स भी या ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर सका कि अगर आप कोई अधिकारी आपकी उस शिकायत को नहीं सुन रहा है उस परिवार को नहीं सुन रहा तो आप अपना ऑनलाइन वहाँ अपनी पोर्टल पर रिपोर्ट डाल सकते हैं और वहाँ से आपका संज्ञान कहाँ किस स्टेटस पर चल रहा है। ये बड़ा अच्छा सरकार का इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे टोल फ्री नंबर इस संबंध में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी। और एक 181 एक अच्छा पोर्टल शुरू किया गवर्नमेंट ने राजस्थान सूचना संपर्क पोर्टल संपर्क पोर्टल। इसमें क्या कि कोई भी काश्तकार घर बैठे अपने मोबाइल से 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करा देता है और तत्काल वो शिकायत दर्ज होती है उस शिकायत का वो पोर्टल का इतना वोटेज सीएम तक मतलब उसको देखा जा सकता है। तो उसकी पर्टिकुलर टाइम बाउंड होगी उसका टाइम बाउंड है उसके पालना तत्काल करानी होती है और उसके लेवल होते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल। कहने का मतलब ये कि जैसे पटवारी स्तर की शिकायत है उसको पटवारी स्तर पे समाधान का जो समय उसके बाद फिर तहसीलदार लेवल पे फिर एसडीएम लेवल पे फिर कलेक्टर लेवल पे और ये तो केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ सभी डिपार्टमेंट की शिकायत आती है उनमें भी सभी ये इस तरह के स्तर होते हैं। जैसे पंचायत से लेवल की है तो पंचायत में पंचायत विकास अधिकारी फिर जिला परिषद। तो कहने का मतलब ये कि इसमें ये एक कैडर बना दिया गया शिकायत का कि आप उसका समाधान आपको समय अवधि में करना है जी और इसको स्वयं सीएम ऑफिस तक इसको मॉनिटरिंग की जाती है जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है और कोई शिकायत मांग मतलब रिश्वत मांग नहीं सकता अगर रिश्वत किसी ने अगर रिश्वत मांगी है तो उसकी तत्काल कार्रवाई होती है उस पर इसमें भी कोई दोराय नहीं है। सरकार की तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं है पर ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो ये ढिलाई रहे नहीं उसकी वजह से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और धीरे धीरे इस पर अंकुश भी लग रहे हैं। इसमें जहाँ तक मेरा सोचना है एसीडी में जो सबसे उच्च पद पर जो अधिकारी बैठे हैं ना जैसे मैं नाम लेने मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी श्री एनएम सर जो थे दिनेश एनएम वो सर इतने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि उन्होंने कई ऐसे बड़े अधिकारियों को या रिश्वत लेने वालों को पकड़ा है और इससे ठोस कार्रवाई की है इससे बहुत अंकुश मिला है जी बहुत अधिक मतलब इस पर बहुत अंकुश लग गया कर्मचारी में एक तरह से भय का माहौल पैदा हो गया कि अगर मैं इसके काम के बदले अगर किसी प्रकार की रिश्वत मांगूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मतलब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा इस तरह की कार्रवाई। तो ये एक जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी और राजनीतिक जो पद पर बैठे हैं उनके इच्छा शक्ति पर बहुत डिपेंड करता है उनकी कार्य करने की शैली और उसके साथ में जनता की इच्छा शक्ति लग जाती है तो प्रबल हो जाता है बिल्कुल प्रबल हो जाता है। ये तो कहने का मतलब आज जो भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा गंदा माहौल हो चुका है तो इसमें अगर जनता भी भागीदार बने और कर्मचारी इसमें सहयोग करे राजनीतिक भी उसमें अगर पहल हो तो बिल्कुल इस पर अंकुश लगाया जा सकता है और सरकार तरफ से पूरी पहल हो रही है और मैं तो कर्मचारी और नए जो मेरे सभी कर्मचारी भाई हैं चाहे किसी पद पे हो चाहे छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद मेरे से बड़े पद पे उनसे तो मैं निवेदन कर सकता हूँ अपने से छोटे अपने कर्तव्य का दायित्व तो हम पूरी ईमानदारी से करें और समय पर काम करेंगे तो इसका प्रतिफल भगवान हमें निश्चित रूप से देता है इसमें कोई दोराय नहीं ये मेरा सोच। तो सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक ऑफिसर का नैतिक दायित्व है साथ में एक जनता का भी बड़ा रोल इसमें प्ले करता है कि हमको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों को सजग रहना होगा ताकि हम उस भ्रष्टाचार की जो नींव है जो बहुत आए दिन गहरी होती जा रही है उसको हम भर सकें और कहीं ना कहीं एक अच्छे लोकतंत्र की हम कल्पना जो करते हैं वो हम पूरी कर सकें। सर आपकी समय कार्यावधि के दौरान ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आया कि जहां आपके अधीनस्थ कर्मचारियों ने किसी काश्तकार की या किसी भी उसकी काम करने में लापरवाही बरती और आपके द्वारा कोई ठोस एक्शन उस पर लिया गया हो? एक लेटेस्ट प्रकरण है जी शुक्रवार के दिन का। शुक्रवार को एक काश्तकार शिकायत लेकर गया जी कि सर एक सरकारी जगह है सरकारी नाला है उसमें कोई अवैध रूप से कुआं खोद रहा है और LNT मशीन बड़ी मशीन लगा के कुआं खोद रहा है। तो मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना और मेरे पटवारी जी और गिरदावर जी को दोनों को बुलाया और उनसे जानकारी ली कि भाई ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है जी। तो उसी समय
उस काश्तकार ने कहा कि नहीं सर, आप तत्काल अगर पधार करके उसको अगर वो एलएनटी मशीन नहीं रुकाएंगे, अगर खुद कुआ खुद जाएगा तो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। और जो काश्तकार आज कुआ खोदने जैसा काम सरकारी ज़मीन कर रहा है, अरे उसको जा करके बाद में अगर आप बंद कराते हैं तो उसके साथ भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। जी, क्योंकि कुआ खोदने में बहुत पैसा लगता है, आजकल बहुत महंगा ही है। तो सर आप तत्काल अगर मुझे पधारेंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए तत्काल अपने पटवारी और गिरदार को साथ लिया और बिना कोई देरी किए मैं मौके पर पहुंचा। वो काम अपने कुमारिया तहसील में पड़ता है, छोटा सा गांव है पीपली आचार्यान। वहां जाकर के मौके पर देखता हूं तो एलएनटी मशीन चल रही है और कुआ खुदाई का कार्य चल रहा है। जी, उसने मॉर्निंग से शुरू किया और मैं मौके पर पहुंचा उस समय लगभग 20-25 फीट कुआ खुद चुका था। मौके पर देखा तो वो नाले में कुआ था। पटवारी जी से रिकॉर्ड से जांच करवाई तो वास्ते में उसमें पाया गया वो तत्काल में कहा। तत्काल मैंने काश्तकार बुला करके उससे पूछा कि भाई किसके कहने से कुआ खोद रहे हो। उसका ये कहना था सर मेरे जो खातेदारी में कुआ है उसमें पानी सूख गया, इसलिए मैं इसमें मेरे किसी ने पानी बताया इसलिए मैं सर यहाँ कुआ खोद रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा भैया तेरी ज़मीन अभी खुद की है? नहीं सर मेरी तो नहीं है, पर मेरी जानकारी में यूँ आया कि मेरी है इसलिए मैं खोद रहा हूँ। मैंने उससे पटवारी से रिकॉर्ड की जांच करवाई, उसने कहा नहीं सर ये सरकारी नाला है और ये अवैध है। फिर मैंने उस काश्तकार को उससे मैं एलएनटी मशीन बंद करवा करके उससे काश्तकार को बिठा करके समझाया कि आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल गलत है, अवैध है। और आज आप ये कुआ खोद रहे हो, आज अभी हम बंद करा देते तो आपका कम नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम शाम सूचना नहीं मिलती, अगर हम शाम तक आते हैं तो शायद आपका कितना नुकसान हो जाता। जी, तो मैंने उसको तत्काल बंद एलएनटी मशीन बंद करा करके उसको कुएं को वापस बुलाया। काश्तकार भी मान गया था, उसने कहा कि सर फिर मेरी जो खुद की ज़मीन है सर वो बता दें ताकि मैं वहाँ अपना कुआ खोद लूँगा और मेरी जो फसल अभी जलने को स्थिति में आ रही है तो उसमें मैं पानी पिला पाऊँगा। तो मैंने पटवारी को उस समय पाबंद किया कि आप जितना जल्दी हो सके तत्काल आज ही रिकॉर्ड ला करके इसको अपनी खुद की जो खाद्यार ज़मीन है वो बता दें ताकि वो अपने खाद्यार ज़मीन में खुद कुआ खोद देगा। तो इस तरह करके मैंने उसका तत्काल मौके समाधान किया। काश्तकार इतना खुश हुआ कि सर आप अगर आज वास्तव में मौके पर नहीं पधारते तो सही हो सकता है कि उसका आर्थिक नुकसान भी शाम तक कम से कम मेरे 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि एलएनटी से कुआ खुदना बहुत महंगा पड़ता है। सर मेरे 4-5 लाख का नुकसान हो जाता है, मैं इस नुकसान से बच गया। वो इतना मतलब यूं गदगद हो गया कि सर आपने तुरंत एक्शन लिया, चाहे शिकायत करने वाले ने किसी रूप में शिकायत की लेकिन आपने उस शिकायत पर तत्काल यहाँ पधार करके मौके पर मेरी समस्या का समाधान किया। इससे सर मैं इसको उसने विपरीत नहीं लेकर के अच्छा लिया कि सर आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान होने से बचाए, क्योंकि अगर वो कुआ खुद जाता तो न तो उसके खाते में दर्ज होता है, न उसको कनेक्शन मिल पाता और भविष्य में सारी परेशानी पैदा हो जाती, तो उसको बचाया। तो उसने बहुत अपने आप बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया मेरा कि सर आपने बहुत मेरे साथ बहुत अच्छा किया। जी, और ये तत्काल मतलब ये शुक्रवार की घटना है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो सर ने कैसा एक वास्तविक उदाहरण देखकर एक कर्तव्यों का निर्वहन करना बताया कि आप अपने अगर सर ने बिल्कुल जीवंत उदाहरण दिया और जो अभी रिसेंटली सर ने बोला कि कुछ ही गत दिनों की बात थी। तो सर अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो जब आप फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि एक तहसीलदार एक फील्ड जॉब होती है, आपको जगह पर जाके मौके पर देखना होता है, निरीक्षण करना होता है, तो सर कहीं ना कहीं इस प्रशासनिक व्यवस्था में एक राजनीतिक दबाव भी बड़ा केंद्र में रहता है। इसकी चर्चा सभी सुर्खियों में होती रहती है, गलियों में होती रहती है, लेकिन तो क्या सर कभी आपके ड्यूटी के दौरान कभी आपके नैतिक मूल्यों को आपको दरकिनार करते हुए कभी उस व्यवस्था के या राजनीतिक दबाव में कोई ऐसा कोई काम करना पड़ा या ऐसी कोई आपके सर अभी तक? बिल्कुल, ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं हमारे को। जी, एक करीब साल 6 महीने पहले की एक घटना हुई थी। तो उस समय मैं अमीरगढ़ में तहसीलदार था। जी, उस समय न्यायिक वो कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में जो काम करना होता है। जी, तो शाम को करीब 5 बज रहे थे और उस समय थाने वालों ने 2 मुलजिमों को पेश किया मेरे सामने। जी, तो दोनों मेरे सामने आए और एक साथ एक का उन्होंने पेश किया। तो वो दोनों मेरे सामने झगड़ा करने लगे। जनरली होता ये है कि भाई वो सामने आकर के हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, उनसे उनके जुर्म के बारे में बताते हैं। जी, तो वो उस समय माफ़ी मांग लेते हैं कि सर हम आइंदा भविष्य में नहीं करेंगे। इस तरह की जनरली होती है कि भाई माफ़ी मांग करके अपने आप जुर्म मान करके भविष्य में नहीं करने की हमारे को आश्वस्त करते हैं, सर हमें छोड़ दो हम आइंदा कोई जुर्म नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन ऐसी घटना हुई कि दोनों भाई आपस में मेरे सामने ही मतलब न्याय कोर्ट के सामने मतलब बहस करते रहे और स्थिति ऐसी हो गई कि भाई अगर उनको मैं छोड़ देता हूँ
तो हो सकता कोई बड़ी घटना हो जाए जी। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं, आपको आज मतलब जैसी कर दिया जाए, तुम इस तरह मेरे सामने झगड़ा कर रहे हो तो क्यों नहीं तुम्हारी जैसी कर दिया जाए। तो उसमें से एक भाई ने कह दिया कि नहीं सर आप हमारे को जेल में डाल दिए, नहीं तो हम रात को मरी जाएंगे। अच्छा जी। जब मेरे को उन्होंने उसका ये शब्द कहना था, तत्काल मैंने उनकी जमानत लेने के बजाय उनको पाबंद करने के लिए मैंने वो जो सर्टिफाइड जमानत में होते हैं उस पाबंद किया, और उनको तत्काल समय नहीं था, वो नहीं पेश कर पाए और तीन दिन के लिए वो जैसे चले गए जी। जो ही मैंने वो कागज़ साइन किए और मैं वीसी में जाकर के बैठा तो मेरे फ़ोन पर एक राजनीति व्यक्ति का फ़ोन आता है जी, सर आपने जिसको जैसे किया है वो अपना आदमी है सर, आप उनको छोड़ दीजिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर जिसको आप अपना आदमी बता रहे हो या तो कुछ समझा देते हो, झगड़ा नहीं करते तो मेरे को मज़ा थोड़ी आ रहा था मैं उनको जेल में डालता। सही है, जब वो मेरे सामने झगड़ा कर रहे हैं भाई देव, अगर मैं इनको छोड़ देता और घर जाने के बाद अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जैसा कि अमेरिका में 8 दिन पहले ही घटना हो चुकी थी, एक मर्डर हो चुका था, तो ऐसी घटना अगर दोबारा मेरे छोड़ने से अगर वो घटना हो जाती तो इसके लिए तो लाइबल में ही होता जी। बिल्कुल भाई, आपने अगर नहीं छोड़ा होता कि एक रात के लिए अंदर चले भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वहाँ मैंने कर्तव्य का पालन किया, और जो राजनीतिक व्यक्ति का जिनका मेरे पास फ़ोन आया था मैंने उनसे रिक्वेस्टली कहा कि सर मैं ये नहीं कर सकता, और मैंने इस पर साइन कर दिए। कई दबाव डलाने की कोशिश की कि नहीं सर कैसे भी करके कर दो, ये मेरा आदमी। मैंने कहा सभी आदमी आपके हैं, आपका आदमी कौन नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि आपका आदमी कौन नहीं है, सभी आपके आदमी हैं, तो आपके आदमी को समझाइश करेंगे इस तरह के जो सगे भाई हैं वो अगर ऐसे झगड़ा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट मना कर दिया सर, मैंने साइन कर दिए और मैं इसमें कोई रिबेंट नहीं दे पाऊंगा, मंडे को जब सामने पेश होंगे उस समय इनके जो नियमानुसार जमानत है हो जाएगी, लेकिन 2 दिन ये बाहर अंदर रह के आएंगे तो इनको भी थोड़ा सबक मिलेगा। और वही हुआ, संयोग ऐसा मिला कि उस दिन शुक्रवार था तो शनिवार रविवार 2 दिन और उनको अंदर रहने का सौभाग्य मिला, और जी, जब सोमवार को पेश हुए उनके वाकई मतलब काफी सद्बुद्धि आ चुकी थी, बहुत सद्बुद्धि आ चुकी थी। दोनों जैसे मेरे सामने पेश हुए तो हाथ जोड़ के पेश हुए, सर कैसे करके हमें माफ़ कर दीजिए और आइंदा हम भूल ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे, और दोनों भाई प्रेम से रहेंगे। दोनों सगे भाई थे, दोनों सगे भाई को इस हिदायत साथ मैंने पाबंद किया कि आप भविष्य में बिल्कुल प्रेम से रहेंगे, इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। तो देख कार्यपालक मजिस्ट्रेट होने के नाते भी हमारे सामने इस तरह, जबकि न्यायालय है उसमें तो किसी राजनीति का अधिक्षेप नहीं होना चाहिए, फिर वहाँ भी हमारे को झेल लगा पड़ता है, तो एज ए तहसीलदार तो हमें कई बार सामना करना पड़ता है, जो काम नहीं होने लायक है उसके लिए भी हमारे प्रेशर किया जाता है कि सर वो मेरा आदमी है उसका ये काम कर दीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी काम के लिए प्रेशर डाला जाता है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सर ये होने लायक काम नहीं है, होने लायक काम बिल्कुल निसंकोच करते हैं, हमारा दायित्व है कि हम काश्तकार की सुने और उसका जो जायज़ काम है उसको हम करें, ये हमारी ड्यूटी है जी। और नहीं होने लायक काम है उसके लिए हम आप प्रेशर नहीं करें। तो कम से कम मेरे जीवन में तो मैंने यही आदत बनाई है कि भी जो काम होने लायक है उसको बिना किसी प्रेशर से किया जाए, लेकिन जो नहीं होने लायक काम है उसके चाहे कितना ही प्रेशर आए मैं इसमें रिक्वेस्टली उनसे कह देता हूँ कि भाई ये काम होने लायक नहीं है और मैं इसको नहीं करूँगा। तो कैसा सर ने बताया कि इनके जीवन में भी ऐसी राजनीतिक दबाव आए हैं और सर ने कैसे इनको कितना काम और कितना नियमों में रहते हुए इनको डील किया, तो ये हमारे लिए और जो न्यू ऑफिसर शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे कि जो भावी ऑफिसर्स होंगे जो इस तहसीलदार के पद को संभालेंगे या किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी पद को संभालेंगे, तो उनके लिए बड़ी सीख है कि आप अगर राजनीतिक दबाव निश्चित रूप से आप उस व्यवस्था में तो जाहिर सी रूप से आएगा, आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये आप पैटर्न पर डिपेंड करेगा कि आप ऐसे उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उस कैसे से डील कर सकते हैं। सर बहुत सी बार ऐसी भी कुछ रोचक घटनाएं होती है कि मान लीजिए आप जिस पोस्ट पर हैं तो कुछ परिचितों के फोन आते होंगे सर हमारा ये काम है करवा दीजिए, और वो काम हो सकता है कि नियमों के विरुद्ध हो, तो ऐसा भी दबाव होता है सर जनरली, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं सर? ऐसा अर्पित जी जहाँ तक मेरा अनुभव है कई बार ऐसी स्थिति आती है, और मैं तो खुद का अनुभव तो ही बता रहा हूँ कि मेरे सामने कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि मेरे किसी रिश्तेदार ने ऐसा नए होने वाला काम बताया हो। जिन्होंने बताया है होने लायक काम बताए हैं, और मैंने अगर वो पटवारी स्तर का है तो पटवारी जी को फ़ोन करके वो काम करवाया है, और मेरे से अगर उच्चाधिकारी से संबंधित है तो वो काम भी मैंने उच्चाधिकारी से निवेदन करके करवाया है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे अपने बिलोड़ा में ऋषि सिंह संस्थान है जी, उसके लीज ख़त्म हो गई थी, रिन्यूअल ख़त्म हो गई थी, तो उसके लीज को आगे बढ़ाने वाला एक मामला था, उसमें अपने समाज की तरफ से मैंने शिकवा समाज की तरफ से मैंने प्रयास किया, रिपोर्ट मंगवानी थी
रिपोर्ट यहाँ से आगे भिजवानी थी, उसमें मेरे सभी उच्च अधिकारियों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, समय पर मतलब उस रिपोर्ट को यहाँ से बनवाई और उस रिपोर्ट को आगे जहाँ राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाना था वहाँ भिजवाई। और एक उदाहरण मेरे सामने ऐसा है कि किसी रिश्तेदार को एक SWS का वो सर्टिफिकेट बनवाना था, तो उसके लिए मैंने जो मेरे उसको डील करते हैं तहसील में, उनसे फ़ोन पे रिक्वेस्ट करके उसको बनवाया। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो आप जो पूछ रहे हैं इसमें नहीं है कि भी किसी ने मेरे पे इस तरह का जो काम नहीं होने वाला हो उसके लिए रिक्वेस्ट किया हो, और होने वाला काम ही बताया है और उसको मैंने करवाने की कोशिश की है। और इस संबंध में भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे उच्चाधिकारियों ने और मेरे अधीनस्थ सब ने मुझे सहयोग किया। अधीनस्थ ये कह सकता हूँ, जैसे मैं भी तहसीलदार हूँ तो मेरे साथी भाई जो पटवारी जी हैं, गिरदावर जी हैं या नायब तहसीलदार जी हैं, जिनको मैंने काम बोला है उन्होंने बिल्कुल पूरी तय दिल से समावधि पे और बिल्कुल 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 किया। इस मामले में मैं वास्तव में मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सर, और मेरा अगला आपसे ये चर्चा रहेगी कि ड्यूरिंग सर्विस ऐसी कोई इंटरेस्टिंग घटना हुई हो जो शायद आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। सर, कई बार ऐसी घटनाएं होती है वास्तव में, जैसे कोरोना काल में मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो वास्तव में जीवन में याद रखने लायक होगी। जी, आज भी मतलब वो आपके अवचेतन मन में है। बिल्कुल बिहल जहन में है कि जैसे 24 घंटे ड्यूटी करना, ऐसी स्थिति हो गई कि हर टाइम ड्यूटी पर रहना, और उस समय जनता की बहुत ही अपेक्षा हो गई थी क्योंकि एक तो चारों तरफ से सबको बंद कर दिया गया था, बड़ा भय का माहौल था, भय का माहौल था, और कई परिवार बाहर फंस गए, उनको वापस बुलाना। तो उस समय हमने मानवता को मद्देनजर रखते हुए, बीमारी के साथ साथ मानवता को मद्देनजर रखते हुए हमने सारे कार्य किए कि कोई अगर किसी का बच्चा मान लो बाहर फंस गया है उसको वहाँ से बुलाना है, किसी का परिवार यहाँ फंस गया है उसको वापस बाहर भेजना है। तो हमने उस दौरान इस ढंग से मतलब ड्यूटी की कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और बीमारी से भी कोई ग्रसित नहीं हो। मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब मीरगढ़ तहसीलदार था उस समय अपने सांवरिया गैस प्लांट, ऑक्सीजन गैस प्लांट है, उस पर मेरी ड्यूटी लगाई थी कलेक्टर साहब ने। तो उसमें मैं 24 घंटे ड्यूटी करता था, दिन में अमीरगढ़ तहसील का काम देखता और रात को उस गैस प्लांट पे जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर बनी रहे हॉस्पिटल में, सप्लाई बराबर जी। तो उसमें कई तरह के प्रेशर हमारे सामने आए क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति हो गई थी कि गैस का अगर सप्लाई किसी को नहीं मिली तो बिल्कुल जान पे बात थी, जान पे बात बनाई थी। तो जहाँ कहीं मैं लगा कि मतलब हट करके भी किसी का अगर मदद करने की जरूरत पड़ी, कहीं गैस सप्लाई करनी पड़ी, तो उसमें मैंने मानवता को मद्देनजर रखते हुए हमने मानवीय मूल्यों को आपने मतलब ऐसा कुछ किया। जैसे एक मैं याद आता है कि अपने डॉक्टर साहब थे राधेश्याम जी, तो अपने वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है कि सर को अभी तत्काल इसमें अगर गैस की सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं तो तोड़ देंगे। तो मैंने उनको तत्काल सिलेंडर उपलब्ध कराया, फिर भी खैर भगवान उनको नहीं बचा पाए, उनको ठीक है डॉक्टर नहीं बचा पाए और वो भगवान के प्यारे हो गए। पर कुल मिलाकर के ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में कई आती रहती है जिसको हम मानवीय मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी स्थिति में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। जी, तो सर इस वीडियो को शायद न्यू ऑफिसर्स भी देख रहे होंगे जो भावी वीडियो में ऑफिसर्स बनेंगे और अपने इस कार्यभार को संभालेंगे, तो सर उसके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप उन ऑफिसर्स को देना चाहें ताकि अपनी उस जिम्मेदारी को समझ पाएं, उस पद की गरिमा को क्या कैसे डील करते हैं उसको समझ पाएं, अगर कोई मैसेज उनके लिए सर हो आपकी तरफ से। इस संबंध में मेरे सभी नए अधिकारियों से मेरा निवेदन है, चाहे वो पटवारी से लगा करके चाहे जिस पद पर भी हों, नए जो हैं उनको मेरा एक निवेदन है करना चाहूँगा मैं कि एक तो अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, कभी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा न रखें जी, बिना अपेक्षा के अपने कर्तव्य पालन से जो भी अपन काम करेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। जनता हमारे पास आती है वो अपनी पीड़ा लेकर के आती है, किसी तरह की कोई समस्या लेकर आती है, तो हम हमारा ये दायित्व तो होता है कि हम उसकी बात को सुने, उसकी सही बात को समझें और उसका समाधान कहाँ हो सकता है उसकी उसके प्रार्थना को प्रार्थना पत्र को उसी जगह भेजा जाए ताकि उसका समाधान हो सके। और नए जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि बिना किसी अपेक्षा के काम करें और समय पर काम करने की आदत डालें जी, इससे
गवर्नेंस में सरकार, सरकार को भी इस बात का संदेश जाएगा कि नए कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता को यह संदेश जाएगा कि नए जितने भी अधिकारी कर्मचारी लग रहे हैं वो सरकार की मंशा के अनुरूप जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और उनके जीवन में भी खुशी आएगी जी। वो इस बात की, अच्छा अपन जितना ईमानदारी से काम करते हैं और जनता की अपेक्षा के अनुरूप अगर काम करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या कि मानसिक संतुष्टि मिलती है जी। इस बात को अगर चाहे कर्मचारी अधिकारी चाहे कोई नया हो चाहे पुराना हो कोई भी हो, आर्थिक संतुष्टि तो सरकार दे रही है। हाँ, लेकिन अब बात है आपकी मानसिक संतुष्टि की, तो आपको जरूरत है कि उस काम को आप बड़े तन्मय तरीके से करें ताकि सरकार के और सरकार का जनता का मैसेज सरकार के प्रति बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाए कि सरकार है उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये सरकार हम ही चुनते हैं और हम जो सरकार चुनते हैं उसमें बैठे वाले जो नुमाइंदे होते हैं वो उसकी नेतृत्व करते हैं। तो ये सरकार मैसेज था न्यू ऑफिसर्स के लिए कि भाई कैसे आप अपनी ड्यूटी को, मॉरल ड्यूटी को उस पर रख के आप अपने कर्तव्य को निर्वहन कर सकते हैं। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चर्चाएं हमने जानी और इसके लिए आपका बड़े तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी इन्फॉर्मेटिव हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई कि सर ने बड़ी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, तो इस पर हमको इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आपने हमारे लिए समय निकाला इसके लिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।